यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कुरुक्षेत्र में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रोड शो निकाला और इस रोड शो में सीएम ने काली झंडी का शिकार भी उन्हें होना पड़ा। वहीं सीएम का रोड शो जब बस स्टैंड के पास से गुजर रहा था तो उस समय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सीएम को काले झंडे दिखाए। उसी समय पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राउंड अप कर दिया। वहीं सीएम ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, चाहे वो यात्राओं से कहे या फिर स्वभाव से कहे। सीएम ने कहा कि उन्हें जितना रोड शो के माध्यम से प्रदेश की जनता का जन समर्थन मिल रहा है, विपक्ष को इतना जन समर्थन नहीं मिल रहा। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले वो लोग अपने और अपने परिवार के बारे में ही सोचते थे, लेकिन बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है। आज सभी जगह पर सबका समान और बराबर विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि अभी उनके पास 1.5 साल बचा है और जितने भी काम होंगे तेजी से करवाए जाएंगे, सभी काम तेजी से होंगे। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता को अपनी बात कहना ये सबको अपना अधिकार है। वो यात्राओं से कहे, वो सभाओं से कहे, वो मीडिया में कहे, वो व्यक्तिगत रूप से जा कहे, 1-to-1 कहे, उनका भी अधिकार है, हमारे भी अधिकार है। प्रश्न तो ये है कि जन समर्थन किसको कितना मिलता है। हमारा जन समर्थन जो मिला है उसको आप आंकलन कर रहे हैं कि इस जन समर्थन के सामने उनका जन समर्थन कहीं टिकता नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन जनता दे रही है, वो हमने देखा है कि 6 हमारे जो रोड शो हुए हैं एक से एक बढ़ करके हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र का जो आज रोड शो हुआ है अभूतपूर्व है। इसके लिए मैं यहाँ की जनता को, यहाँ हमारे पार्टी के लोगों को, यहाँ की संस्थाओं को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहले ऐसा होता था कि हर आदमी, यानी सत्ताधारी जो लोग होते थे, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे कुनबा और मेरे नज़दीक, यही सब उनकी सोच होती थी। हमारी सोच है हरियाणा पूरा, हरियाणा एक साथ, हरियाणा का हर विधानसभा क्षेत्र, हर वर्ग समाज का, हर वर्ग, हर जिला, सबका बराबर समान विकास हो।